दोस्तों श्रावण मास में महामृत्युंजय मंत्र जपने से अकाल मृत्यु तक टल जाती है, यानी कि बड़ी से बड़ी जो बाधाएं होती हैं सभी टल जाती हैं। आरोग्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में ये मंत्र 10 गुना अधिक फल देने लगता है। क्या है महामृत्युंजय मंत्र पूरा, क्योंकि आधा तो सभी लोग लगभग बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम् यजामहे है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। लेकिन कंप्लीट मंत्र क्या है, ओम हौं जुं सः ओम भूः भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम् यजामहे है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सः जुं हौं ओम। ये कंप्लीट मंत्र हुआ। इस मंत्र को या तो सुनना चाहिए हर रोज इस महीने में, या फिर जाप करना चाहिए इस मंत्र का। स्नान करते समय शरीर पर लोटे से पानी डालते वक्त इस मंत्र का जप करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। दूध में निहारते हुए इस मंत्र का जाप किया जाए और फिर वह दूध पी लिया जाए तो यौवन की सुरक्षा में भी सहायता मिलती है। इस मंत्र का जप करने से बहुत सी बाधाएं दूर होते हैं, इसीलिए इस मंत्र का सदैव श्रद्धा के अनुसार जप करना चाहिए। कब कब इस मंत्र का जप करना चाहिए, तो ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म मास गोचर और दशा अंतरदशा स्थूल दशा इत्यादि में ग्रह पीड़ा होने का योग हो, किसी भी ग्रह के सताए जाने का भय हो आपको, तो जरूर करना चाहिए। किसी महारोग से पीड़ित होने पर मुकदमा इत्यादि में अगर आप फंस गए हैं, तो महामारी में फंस गए हैं या लोग मर रहे हैं, तब राज्य या संपदा के जाने का अंदेशा हो, तब धन हानि हो रही हो, तब मेलापक में नारी दोष शताष्टक इत्यादि आता हो, तब राज से भय हो, तब मन धार्मिक कार्यों से विमुख हो गया हो, तब राष्ट्र का विभाजन हो गया हो, तब परस्पर घोर क्लेश हो रहा हो, तब त्रिदोष वश रोग हो गए हों, तब प्राकृतिक आपदा आने पर इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। जो भी मुश्किलें हैं बाधाएं हैं वो टल जाती हैं और जीवन सुरक्षित और सफल हो जाता है। तो ये आज की वीडियो रही, कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।